Hello students, so as you know we are doing chapter Ranga's marriage. So we were reading how the narrator was describing about his village, and now he was talking about his village 10 years ago. Okay, here the narrator is telling that 10 years ago nobody in the village knew English. Okay, so none of them used to include English words in their talks when they were talking in Kannada. Okay, so what has happened is disgraceful, believe me. Now next, तो वो कह रहा है एक इंसिडेंट सुनाता है कि ऐसे उसके साथ भी एक ऐसी एक इंसिडेंट हुई थी. सो द अदर डे आई वॉज इन रामा राव्स हाउस वेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड. तो एक दिन वो रामा राव के घर पे था, उसके अनदर विलेजर, ठीक है, तो कोई लेडीज एक बंडल ऑफ फायरवुड लेके आती हैं. फायरवुड मीन्स वुडन स्टिक्स, जो घर में जला के जिस पे खाना बनाया जाता है, दैट इज फायरवुड. तो रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट एंड ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू. तो उसका पैसे देने थे उस फायरवुड के लिए. तो रामा राव का सन बाहर आया, उसने लेडी से पूछा कितने पैसे. 4 पाइस, शी सेड. उसने आंसर दिया 4 पाइस, मतलब 4 पैसे. द बॉय टोल्ड हर ही डिडंट हैव एनी चेंज. तो बॉय ने आंसर दिया कि उसके पास चेंज नहीं है अभी. एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसको बोला कि अगली सुबह आ जाना. द पुअर वुमन डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ. मटरिंग मीन्स टू स्पीक समथिंग इन ए वेरी लो वॉइस टू वन सेल्फ ओनली. तो उसको कुछ समझ तो आया नहीं बेचारी को कि क्या इसने बोला है. अपने मुंह में ही कुछ बड़बड़ाती हुई वो वहां से निकल गई. आई टू डिड नॉट नो. तो इसलिए उसने डिसग्रेसफुल बोला कि चलो उस लेडी को नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था कि ये चेंज वर्ड ये बोला क्या है. ठीक है, मतलब उसको भी बात नहीं समझ आई थी. सो लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगास हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट. उसने बाद में रंगा के घर जाके इस वर्ड का मीनिंग कंफर्म किया. ओके, सो नेक्स्ट, द प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आर विलेज अ डिकेड अगो. तो इंग्लिश लैंग्वेज को इसने यहाँ पे प्राइसलेस कमोडिटी बोला है. प्राइसलेस कमोडिटी मीन्स समथिंग वेरी प्रीशियस और वैल्यूएबल. तो 10 साल पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज एक प्राइसलेस कमोडिटी मानी जाती थी. ठीक है, सो ऐसे समय में दैट वॉज वाई रंगास होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. तो रंगा अब सिटी से पढ़ के आया था, इंग्लिश पढ़ के आया था, अपने विलेज वापिस आ रहा था, घर वापिस आ रहा था. तो एक बहुत ग्रेट इवेंट था. पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम. तो लोग उसके घर दौड़े जा रहे थे, सब इकट्ठे हो रहे थे कि देखो अकाउंटेंट का सन वापिस आ गया है शहर से पढ़ के. द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर, इट सीम्स. ओके, तो लगता है कि जो बेंगलोर गया था, बेंगलोर नाउ इट इज कॉल्ड बेंगलुरु, तो उस समय बेंगलोर ही था. तो जो बेंगलोर से पढ़ के आया है वो वापिस आ गया है. एंड कम रंगा इज हेयर, लेट अस गो एंड हैव ए लुक. तो विलेजर्स में कितनी एक्साइटमेंट थी रंगा को लेके. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड. तो उससे अट्रैक्ट होके कि सब लोग जा रहे हैं, वो भी गया वहां पे और जाके उनके घर के आंगन में खड़ा हो गया. एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दीस पीपल कम, कि क्यों ये इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं. देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर. कोई यहाँ पे क्या कोई मंकी परफॉर्म करने वाला है जो इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है. अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड एनफ फॉर एवरी वन टू हेयर. तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा था जिसका शायद कोई दिमाग नहीं था. ठीक है, इतना दिमाग नहीं था कि क्या बोलना है क्या नहीं. तो लाउडली बोला जो कि सबको सुन गया, व्हाट आर यू डूइंग हेयर देन. ओके, जैसे नरेटर ने बोला कि यहाँ पे कोई मंकी परफॉर्म करने वाला है, क्या बात है, क्यों इकट्ठे हुए सारे. तो वो कह रहा है, उस लड़के ने बोला, फिर तुम क्या यहाँ कर रहे हो. ओके, सो अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स. तो वो एक यंगस्टर था और इमेच्योर भी था और उसको मैनर्स भी नहीं थे. ओके, सो थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट. ओके, तो उसने इन चीज़ों को
लेट गो किया और वो चुप रहा कि छोड़ो जो हो गया हो गया. सीइंग सो मैनी पीपल देयर रंगा केम आउट विद दिस स्माइल ऑन हिज फेस. तो इतने लोगों को इकट्ठा देख के रंगा बाहर आया और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी. हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्नड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकटा. कि अगर हम अंदर चले जाते तो क्या हाल होता. ठीक है, घर के अंदर चले जाते तो घर जो है वो एक ब्लैक होल ऑफ कैलकटा में कन्वर्ट हो जाना था. अब ये ब्लैक होल ऑफ कैलकटा क्या है, ये फ्रेज के फॉर्म में यूज होता है फॉर ए ओवर क्राउडेड प्लेस. एक्चुअली हुआ क्या था, नवाब ऑफ बंगाल ने एक टाइम पे बहुत सारे ब्रिटिश प्रिजनर्स को एक अंडरग्राउंड प्रिजन में कैद कर दिया था. 123 प्रिजन्स को एक छोटे से अंडरग्राउंड जेल में बंद कर दिया था और बहुत सारे सफोकेशन से मर गए थे. ओके, तो किसी भी ओवर क्राउडेड प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए ये फ्रेज अब यूज होता है. तो सफोकेशन हो जानी थी, सारे अंदर चले जाते. थैंक गॉड इट डिड नॉट, कि थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 मंथ्स अगो. सब सरप्राइज थे कि इसमें तो कोई चेंज नहीं आया है, जिस 6 मंथ्स पहले भी ऐसा ही था. व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, जब उसने ये विलेज छोड़ा था. एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट लुक्ड इनटू हिज आईज. एक ओल्ड लेडी वहाँ आई और उसका अपना हाथ पूरा उसकी चेस्ट पे दौड़ाया और उसकी आंखों में देखा और फिर बोली, द जनेवरा इज स्टिल देयर, ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट. देखो, इसने ये जनेवरा होता है सेक्रेड थ्रेट जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं, ठीक है. तो उसने उसके चेस्ट पे हाथ घुमा के देख लिया कि इसने अभी तक पहना हुआ है, इसका मतलब ये अभी चेंज नहीं हुआ है. इसने अपनी कास्ट का, अपने जो भी वैल्यूज हैं अभी तक ये इसने संभाल के रखी हुई हैं और सेक्रेट थ्रेड भी इसने पहना हुआ है. शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट एंड रंगा लाफ्ट. तो वो ये बोल के वहाँ से चली गई और रंगा हंसने लगा.